दो तीन बार दी, 133 मिस कॉल उसकी जिस दिन आ रही है, जिस दिन वो खुद फंसी है उस दिन भी वो 3-4 घंटे यहाँ पर था। हमारे भाई पे इतना दबाव दे रखा है, मैं बच्चों को छोड़ के चला जाता हूँ भट्ठे पर, मेरे बच्चों पे कल कुछ भी हो सकता है जी। तो भाई घर पे नहीं रहा करता जब वो डॉक्टर यहाँ आया करता, कोई नहीं रहा। ये मजदूरी करने सुबह 4 बजे निकल जाए यहाँ से। अच्छा मजदूरी पे चले जाए। हाँ मजदूरी करने चले जाए हम तो। अच्छा तो अड़ोसी पड़ोसी किसी ने कभी देखा, आपने देखा किसी ने यहाँ पे जैसे? वो तो सबको पता है जी, माना नहीं। कितने दिन से फिर चले इनका? उनका 3-4 साल से चला है जी। अच्छा भाई काम पे निकल जाता? भाई काम पे चला है, मैं भट्ठे पर रहता हूँ, दूर रहता हूँ। मेरे घर से फोन जाए वो डॉक्टर आ रहा है उसको धमका दो, नहीं माने। हमारी मानता नहीं था, हमने कही भाईचारे ने भी, भाई तू हमारे घर पे मत आया कर, कैसी दुआई दे कुछ भी करे, दुआई ऐसी लिख के दे दे भाई साहब चला जाए कहीं दुआई लेने के लिए, इतने से कुछ भी हो जाए। मेरी माता है बावड़ी, उसको पता नहीं है, माता को भी धमकी दिया करता चलो यहाँ से। मैं दुआई दे रहा हूँ, मेरा लड़का है यहाँ 14 साल का, उसको भी धमकी दे दिया करता भाग यहाँ से। खाते पीते थे कुछ भी करे कुछ भी ना, उसको नशे की गोली देता कैसे क्या करता था, जोड़ा छाप डॉक्टर है, उसकी दुआई इतनी मिली है यहाँ पर। जिस दिन वो भाई उसने अतरी अपनी वो दिन इतनी गोलियाँ निकाली हैं घर से। ये बात क्या कै बजे का हुआ? तो मेरी घरवाली का फोन गया था जी 2:18 पर, बोले मैं तेरे को एक बात बताऊं, रोए नहीं तो। तो मैं सोचा भाई कोई बच्चा बीमार हो गया होगा, मैं कहा मैं नहीं रोऊंगा। 24 को भी आया है ये, 2 घंटे बदलाएगा ऐसे 12 बजे, और 25 को भी आया है ये, तो 3-3 बजे बदल, ये 2 बजे है इसका, 2 घंटे बदला ही गया है, वो गया है या फांसी टांकी गया है या उसने अपना वो गया है रणधीर के पास। फिर इसने फोन किया 2:18 पर वहाँ नहलगढ़ से, फिर आया बोले घर संभाल लेते रहो, वहाँ आया रेडी खोल लिए, वहाँ देखा तो फांसी के लड़ बच्चा ने बोले मेरी माँ देखी क्या कर रही, बच्चा रो रहा था। हाँ कितने साल का बच्चा हो रहा है? 5 साल का है लड़का जी। जी हमारी तो कोई ना है ना और कुछ, धमकी सबको दे रहा है मारने के लिए। हाँ हमारे परिवार को बिल्कुल धमकी दे रहा है वो। तो उनके परिवार से हुई बात आपकी मुलाकात हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई, नहीं कोई आया जी, नहीं कोई उनका परिवार से आ रहा है, नहीं और कुछ। उनके परिवार को पता था कि इनका फेर है? पता है जी उनको, सबको पता है, उसकी घरवाली को पता है, घरवाली उसका साड़ा में पीट गया उसने 2-3 बारी। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, नहीं और कुछ हो रही है कार्रवाई, वो अंदर होना चाहिए। हमारे को तो सख्त कार्रवाई ये चाहिए है, मेरे भाई को और हमारे बच्चे को हमारी माता को कोई हाथ ना लगा दे, उसको अंदर जेल के अंदर जाना चाहिए, वो इंसाफ चाहिए हमारे को। कल को और किसी साथ में करेगा वो जी? हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही है, कहीं से भी सुनाई नहीं हो रही है। जो दुकानदार है डॉक्टर है भगवान का रूप हो डॉक्टर, यो काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसने यो काम किया है मतलब उसको कौन बुलाएगा, वो तो गया। अपना गुजारा क्या है जी वैसे, परिवार का गुजारा कैसा? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हमारे कोई कोई कमाई नहीं, कोई नौकरी पैसे में कोई सा भाई नहीं है। मतलब जो परिवार के मर्द हैं कमाने वाले वो सब निकल जाए? सब निकल जाए, हम तो घर से मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं हम, हमारी कोई सुनाई नहीं है। मेरे भाई को मारने की धमकी दे रखी है, हमारे बच्चों को मारने की धमकी दे रखी है। पैसा कमाते हैं वही अपने घर खर्चा चलता है, कोई मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई और नहीं, हम तो अपना काम कर लें और वही बच्चों को खा देते हैं। काम नहीं करें तो यहाँ बैठ के खाएंगे क्या, या किसी के रुफाड़ करेंगे तो यहाँ पर खाएंगे क्या? ये देखो भाई गरीब घर है, टीप लिपाई भी नहीं हो रही यहाँ पर, ये बैठे हैं और काफ़ी गरीब घर है, और ये बेचारे कमाने खाने बाहर जाएं कि भाई अपने बच्चों की रुखाड़ करें, करें तो करें क्या, मजदूर हैं सारे के सारे और कह रहे हैं भाई हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं जी जतन गुजरी है ना ये उधर का बीमार हूँ जी, मैं तो बीमार से दवाई ले आया, यहाँ भी टिक्के लगा रहा हूँ, मैं हूँ उसमें रह रहा हूँ। कभी कोशिश नहीं करी भाई साहब उस औरत को समझाने, घर में और भी औरत समझा ली थी, फिर उसके ऊपर दबाव दे रखा था उसने, यहाँ टिक्के फोड़ता वैसे 112 पर गलती मार दे फोड़ता था वैसे डुप्लीकेट में, और पानी की सुई भरी
पास में ऐसे कर दिया, बोले अब सुई लगा दी मैंने, नशे की गोली, कोई सेक्स की गोली दे दी, कुछ और गोलियां दे दी, बस पागल बना रखी थी वो उसने, गोली दे दे के पागल बना रखी थी। हम क्या करते बेटी इससे गोली मत ले, बोले अंकल जी मेरे को कुछ नहीं पता है, ताऊ जी मेरे को कुछ नहीं पता है, हमारी कुछ नहीं मानी समझा भी। एक उसके साथ में एक दिन लड़का आया, आ रहे हैं तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हो तुम, बोले किसी में दम हो तो आ जाओ। तो मैं बोला भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम अपने घर पे रहो, हमारे घर पे मत आया करो, हमारी कुछ नहीं बात मानी उन्होंने। उसकी घरवाली दिल है, उसके ससुराल वाले भी उसको पीट के गए इस बात के चक्कर में, उनको पता चल गया था। इस तरह के कार्य उसने करे जी जी, कई कार्य कर रखे उसने। गांव राम ने कोई मांग नहीं उठाई, कोई पंचायत को, गांव को, गवांड को, जैसे बाहर के आए हुए थे दहाड़ी मजदूरी करने के लिए, कोई दुआई के लिए डॉक्टर को बुला लिया कि ये है, कहीं कुछ कराया उसने, कहीं कुछ कराया है। अब घर से भागने लग रहा है, दो आदमी भाग रहे हैं घर से जी, दोनों एक परिवार के हैं। तो क्या मांग है प्रशासन से आप लोगों? हमारी उसकी सजा, हमारे घर से आदमी चला गया तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे, ये सजा है उसको, मारे गवर्नमेंट फांसी की सजा देगी। अगर उनके घर को भी पता चले भाई हाँ हमारे बेटे ने ये काम कराया है, आगे ये पता चले भाई कोई किसी को से देगा नहीं आगे, कोई आया नहीं हमारे पास। तो जो अपना जो लड़की आ रही थी भाई के साथ, शादी कर रखी थी, लव मैरिज कर रखी थी, उसकी उम्र कितनी थी? 30 साल की। पढ़ी लिखी भी थी कुछ? वो दो चार पढ़ रही थी सर जी, वो दो चार पढ़ेगा तो वही अनपढ़ परिवार का काम हो जाए। तो चोट चाट के भी कोई निशान थे उसके जिस टाइम वो तारी है? वो तो देखो जिस टाइम तारी थी डॉक्टरों ने देखा है, पुलिस तो आ गई थी, तो हाँ पुलिस आ गई थी, उसके भाई आ गए थे मौके पे, हाँ परिवार उनका भी आ रहा था, हाँ परिवार उनका सारा आ गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है जी, इसकी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। सारा अनुमान के एजिस्ट कौन कौन हो सकता है यहाँ पर? यहाँ उसके साथ में देखो जी, मेरी माता चली जाती मंदिर के अंदर सुबह 8 बजे, झाड़ू निकाल के आती है दादा देवीनाथ के अंदर, एक मेरा भाई है छोटा मेरे से, वो मंदिर में चला जाए झाड़ू निकालने के लिए, लड़का है पढ़ने के लिए चला जाता है, मेरी बड़ी लड़की वो पढ़ने के लिए चली जाती है, फिर ये रह गया यहाँ कौन? यहाँ कोई था ही नहीं, वैसा वैसी हुई उनकी, यहाँ पर हथापाई हुई उनकी, जब उसने दबाव दिया है मेरे साथ में शादी करेगी तो फायदे में रह जाएगी, नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं, इस दबाव के ऊपर वो उसने सुसाइड कराया है। फोन वगैरह रखती थी? फोन था उसका, फोन चौकी के अंदर है, 133 मिस कॉल आ रही है उसकी, पुलिस वाले के सामने है वो फोन, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कभी घर से भी गई थी वो यहाँ से? हाँ घर से गई थी, 6-7 महीने रह के आई चरखी दादरी के अंदर, वो ही लेके गया था। एक दिन मैंने उससे पूछी, मैं बोला तू कहाँ रहता है, बोला तेरे को क्या मतलब है, उसने ये दबाव दिया मेरे ऊपर, तो मैं कहा मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, बोले मेरे घर पे मत आना, तू मेरे को रास्ते में मिलना, मैं रास्ते में कहाँ मिलूँ, बोला तू जहाँ दारू पीने जाता ना वहाँ मिलियो मेरे को, मैं ठीक है भाई मिल जाऊँगा मैं तेरे को वहाँ मिल जाऊँगा, बोला ज़्यादा मत बोलिए, मोटरसाइकिल से भी उठा सकता हूँ, गाड़ी से भी उठा सकता हूँ तेरे को मैं, हमारे पे ये दबाव दे रखे हैं। अब मेरी माता है, हमारा पिता, कह सकते हो कि वो लेके जा रहा था, कोई सबूत? हम सबूत है गाड़ी में, यहाँ पीपल के सामने दादा देवीनाथ के मंदिर के सामने पीपल खड़ा है, वहाँ गाड़ी रोकया करता उसको बिठा के ले जाया करता है, सारे गाँव को पता है टू जड़, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानी। तो उससे बात नहीं करी आप लोगों ने? भाई तू क्या चाह रहा है, क्यों कर रहा है? कही थे हमने हाथ जोड़ के उसको मना कर दिया था, अब भाई तू हमारा घर बसने दे, तू इसको टाल कर दे, यहाँ मत आया कर दवाई देने के लिए, बोले मैं डॉक्टर हूँ मैं किसी को भी दवाई दे सकता हूँ, हमारी बात नहीं मानी। अब ना माने तो आप क्या कर सकें? डॉक्टरी का कोर्स वगैरह कर रखे? नहीं, जोड़ा छाप है, बिल्कुल जोड़ा छाप है। कितना पढ़े लिखे होगा? क्या पता लिखा, पता नहीं, 7वीं 8वीं में है वो, ऐसा ही है, मालूम नहीं है। अब ये देखो सर जी, हमारी कोई मिन्ता होती हो तो करो, हमारे गरीब भाई की, भाई के परेशान हो रहे हैं, इसको मारने की धमकी दे रहा है। कौन सा भाई? ये बैठे यहाँ।
आपकी पत्नी थी? हाँ जी। क्या नाम? सुनीता जी। बच्चा कितना बड़ा है? 5 साल का है जी। 5 साल। ये भाई जो कह रहे हैं वो सारी सच्ची बात? हाँ जी। विश्वास आपको सच मिल गया? हाँ। फिर आपने कभी ऐसा लगा कि भी आपकी पत्नी उससे बात करे? जी मेरे को मेरी घरवाली ने बताया था, नोले ये मेरे पे दबाव डाल रहा है शादी के लिए। मैं लम्हा समझा के आता हूँ उसको, मान जाऊँगा। मैं उसके घर पे गया तो मैं कही भाई मेरे घर पे आना जाना बंद कर दे, मान जा भाई मेरा भी घर बस जाने दे। तो नोला तुझ करना हो कुछ कर लिए। फिर एक दिन फ़ोन पर धमकी देने लगा मारने की, भाई तू नालगढ़ जाता है काम करने के लिए, मैं तेरे को वहीं मार दूँगा। जाया करते? हाँ जी। सुबह 5 बजे 4 बजे ने चला जाया करता जी। तो फिर आपको पता था भी पीछे से? हाँ पीछे से मेरे घरवाली ने बताया था, फिर भी वो माने नहीं। 2-3 बार उसने कही भी ये आवा है, मानता नहीं। फिर उस टाइम आपने प्रशासन की मदद क्यों ना ली? प्रशासन किसी पे भी वो लगवा देता था, वो नशे की गोली देता या क्या की गोली देता, वो सबके ऊपर एप्लीकेशन लगवा देता था। हाँ तो अच्छा पैसे वाला? हाँ जी। उसकी घरवाली दिल्ली पुलिस में है जी। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन? मेरे को तो ये मांग है उनसे सख्त सख्त कार्रवाई होवे, सजा मिले उसको। तो भाई ये लोगों को उसने मेरे पास जिस दिन ये घटना हुई तो मेरे को बोला, फोन कराया तो उसने, कड़ा है मैं नालगढ़ हूँ, नु बोला घर जाके संभाल ले आप। हाँ वो देखी फांसी हो गए और वह कितने आए थे ये मेरे को मालूम नहीं है, वो दिन था यहाँ पे। आप घर पे पहुँच गए थे? हाँ मैं 3 बजे आया हूँ उसके बजे है, और क्या जने आए थे कितने नहीं ये मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पर था वो जी। मेरे द्वारा फोन कराया था 2:18 पे फोन कराया था मेरे को। प्रशासन को ये सारी बातें बता दी? हाँ बता दी। सबूत वगैरह कुछ दिया? हाँ जी, फ़ोन की डिटेल दे रखी, 133 फ़ोन आया उड़ाया, पहले बात तो योड़ी है उनकी, सारा सौदा उसके पास उसमें। अब मेरी भी बता रखी है, मेरा फ़ोन मेरे को धमकी दे रखी है मारने की। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इस लड़की से? जी उतार से जी घर पर ही बात होया करती, वह मेरे साथ में काम कराया करते। कहाँ पर काम करते थे आप? झज्जर में। झज्जर में मुलाकात? हाँ। तो ये कहाँ थी? ये दिल्ली की कंजावला। हाँ जी। तो आपकी लव मैरिज हो गई थी? हाँ जी लव मैरिज। उनका परिवार राजी था? जमा राजी है जी। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी भी आए थे, पहले भी आए थे 25 तारीख को, मेरा लड़का रिसेप्शन भी कराया जब भी आए थे, वे सब राजी है। हाँ जी। कास्ट का कोई दिक्कत नहीं थी आपको? हाँ कोई दिक्कत नहीं थी जी। वो आपसे प्यार करती थी? हाँ जी। हमारे घर में कोई वो नहीं थी, बस उसने क्या कराया है कुछ केक हुआया है वो उसके उस दबाव में आके फंसी। वही देख उसको, ये परिवार काफ़ी गरीब परिवार है और काम मजदूरी करने वाला परिवार है, सीधे सीधे आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। बाकी मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने बताया, वही हमने आपको दिखाया है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें भाई, प्रशासन से भाई की गुहार की जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, जो दोषी उसकी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।